लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस को जल्द ही अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। पार्टी ने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बैठक में फैसला लिया कि 17 अक्टूबर को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को गिनती होगी। आइए जान लेते हैं क्या है पार्टी का पूरा चुनावी कार्यक्रम। 22 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 24 सितंबर सुबह 11 बजे से 30 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर को नामों की स्क्रूटनी होगी, फिर 8 अक्टूबर को नामांकन वापसी की अंतिम तारीख रहेगी। 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी में सर्वोच्च पद के लिए चुनाव कैसे होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है और किसे वोट देने का अधिकार होता है। आइए सभी प्रश्नों का एक एक कर जवाब जान लेते हैं। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के संविधान के तहत ही होता है। कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया काफी लंबी है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी चुनाव के लिए सबसे पहले एक सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी बनाती है। दरअसल इसके जिम्मे ही पूरे चुनाव की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की शुरुआत सदस्यता अभियान से होती है, जो करीब एक साल तक चलती है। इसके पूरा होने के बाद बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन बनाया जाता है। ब्लॉक और बूथ मिलाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि चुनते हैं। हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। हर 8 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि पर एक केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि चुना जाता है। AICC और PCC का अनुपात 1:8 का होता है। PCC डेलीगेट्स के वोटों से ही पार्टी अध्यक्ष के चुनाव होते हैं। 2017 में हुए संगठन चुनावों के दौरान PCC की तादाद 9,000 थी, तो वहीं AICC डेलीगेट्स की संख्या 1,500 थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के किसी भी नेता को बतौर प्रस्तावक 10 PCC डेलीगेट्स का समर्थन चाहिए होता है। कांग्रेस में अध्यक्ष समेत तमाम पदों का टर्म 5 साल होता है। हालांकि इससे पहले हर 3 साल में चुनाव होते थे। 2017 की बात करें तो राहुल गांधी निर्विरोध चुनकर आए थे, जिन्होंने 2019 के आम चुनावों में पार्टी की करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा भी दे दिया था। 3 साल के बाद अब जाकर अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई है। बहरहाल अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि गांधी परिवार से या बाहर से पार्टी को अपना फुल टाइम अध्यक्ष मिलता है। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद की कमान संभालते हुए देखना चाहते हैं। अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के लोगों का, नेताओं का सबका मानस बना हुआ है। सब राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चाहते हैं। राहुल जी को मना कर रहे हैं, देखते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिंदगी तो कुछ मायने रखती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आग्रह भी मायने रखता है।